नमः शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रविवार मृगशिरा नक्षत्र सुबह 9:50 तक रहेगा, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक बलवान मधुरभाषी व्यापारिक तेज दिमाग वाले हस्तशिल्प कला प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी और क्रोधी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और राहु की स्थिति अच्छी रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज चंद्रमा मिथुन राशि में बने रहेंगे। मेष राशि के जातक आज किसी नई कार्य योजना के लिए पहल ना करें, पहले की चल रही योजनाओं को ही जारी रखें। चंद्रमा आपके तीसरे घर में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, दिमाग में भ्रमात्मक स्थिति का ताना बाना चलता रहेगा। आपकी याददाश्त प्रभावित हो सकती है, सामान चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। संतान पक्ष के प्रति नकारात्मक भाव बना रहेगा, हर काम में रुकावट संभव है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें, पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें और केले के पौधे में जल डालें। वृष राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा, कर्मचारियों के कामकाज में मन लगेगा, अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। व्यावसायिक लेन देन में सावधानी बरतें, त्वरित निर्णय लेने से बचें, आर्थिक नुकसान संभावित है। पूर्व प्रतीक्षित मामलों में निपटारा संभव है, रुका हुआ धन मिल सकता है, संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास करें, मांगलिक प्रयास सार्थक होंगे, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता महसूस होगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, नई कार्य योजनाओं के प्रति रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, डूबा हुआ धन मिलना संभावित है, व्यावसायिक योजनाओं में अधिकारियों व शासन सत्ता का सहयोग मिलता रहेगा। रुके हुए कार्यों को संपादित करें, अचानक लाभ के मौके मिल सकते हैं। शत्रु पक्ष दबा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता निश्चित है। संतान पक्ष से अनुकूलता बनी रहेगी, किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। कर्क राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आँखों से संबंधित समस्या संभावित है, किसी अज्ञात बीमारी से मन भयग्रस्त रहेगा, आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। प्रवास या छोटी यात्राओं का योग बना हुआ है जिसमें धन खर्च संभावित है, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा मगर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अपव्यय से आज आपको बचना होगा। सिंह राशि के जातक पेट संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, पेट में जलन भारीपन या संक्रमण संभावित है, व्यावसायिक योजनाओं में साझेदारी से लाभ संभव है, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, नए निवेश के लिए आज का समय उचित नहीं है, अपनी सक्रियता को बनाए रखें। शनि आपके पांचवें घर में बैठे हुए हैं जो कि बार बार आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित करने का काम करेंगे, संतान पक्ष से चिंता बनी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना पड़ेगा, विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा जो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है, सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कन्या राशि के जातकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष तौर से पेट संबंधी मामलों में गड़बड़ी हो सकती है, व्यावसायिक योजनाओं में प्रयास अधिक करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा, पहले के चले आ रहे अधूरे कामों को निपटाने की कोशिश करें, आर्थिक पक्ष से सहयोग बना रहेगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी, विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा, वित्तीय निवेश के मामलों को भविष्य के लिए टाल दें,
माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। तुला राशि के जातकों को व्यावसायिक मामलों में विशेष ध्यान रखना होगा। चल रही व्यावसायिक गतिविधियों में विरोधी पक्ष का सक्रिय होना संभावित है। अचानक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। गुरुजनों, आदरणीय व्यक्तियों या संबंधित अधिकारी का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। उत्तेजित होकर कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। शाम के बाद की स्थिति अनुकूल होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना आवश्यक होगा। धार्मिक भावनाएं बरकरार रखेंगी। सहयोग मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आपके सार्थक पहल में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कोई प्रतिकूल सूचना संभावित है। धैर्य और संयम से काम लें। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। नए निवेश के लिए आज का समय उचित नहीं होगा। संतान संबंधी मामलों में चिंता और खर्च की स्थिति बनी रहेगी। नकारात्मक विचारधारा से दूर रहें। साथ ही नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से भी दूर रहना होगा। आर्थिक मामलों में खर्च की स्थिति संभावित है। अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति बन सकती है। माँ दुर्गा की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। धनु राशि वाले जातक दांत मसूड़ों व हड्डियों से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित होने के बावजूद भी व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। मांगलिक कार्यों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। संतान के प्रति सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वित्तीय संकट संभावित है। पारिवारिक माहौल को खुशनुमा रखने का प्रयास करें। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। मकर राशि वाले जातक आज पत्नी पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। राहु छद्म समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिसकी पहचान मुश्किल से होती है। आपका ऊर्जा स्तर हर मामले में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। आपके भविष्य की पृष्ठभूमि मजबूत बनी रहेगी। व्यावसायिक मामलों में आर्थिक उन्नति होती रहेगी। विरोधियों से धन लाभ संभव है। संतान पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में मित्रों का सहयोग बना रहेगा। शाम के बाद कुछ उदासी भरा माहौल महसूस कर सकते हैं। बहन से किसी मामले में गलत फहमी की संभावना बनती है। केसर का टीका लगाकर पूजा करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। कुंभ राशि वाले जातकों की कार्यकुशलता, स्फूर्ति और नेतृत्व करने की क्षमता मनमाफिक स्तर तक बनी रहेगी, मगर निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यावसायिक पृष्ठभूमि अत्यधिक मजबूत है। सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत है। विरोधियों से बचना होगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भ्रमात्मक स्थिति कायम रहेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अनुकूलता मिलेगी। मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता मिलेगी, मगर वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित रहेगा। निराशाजनक स्थिति का दौर संभावित है। व्यावसायिक उन्नति के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक सहयोग बना रहेगा। सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में वृद्धि होगी और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। केले के पौधे में जल डालें और माँ दुर्गा की आराधना करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।